फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है डेकीमाइन का एक नया वीडियो पे। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जहां पे मैंने बात किया था मीवी की तरफ से आया हुआ नया TWS के बारे में, जिसका नाम था मीवी डुओपोड्स F30। तो मैंने सोचा जब ये प्रोडक्ट मेरे पास है और इससे पहले मीवी की तरफ से भेजा गया था मीवी डुओपोड्स A25, तो क्यों ना इस दोनों के अंदर एक कंपेरिजन किया जाए, देखते हैं कैसा है इसका साउंड क्वालिटी। प्राइस दोनों का ही सेम है 999, बट ऑब्वियसली यहाँ पे प्राइस को लेके मेरे लास्ट वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स आए, क्योंकि जब मैंने बात किया था इस मीवी डुओपोड्स F30 का, तब इसका लॉन्च प्राइस जो था वो था 999 रुपीज़, बट बाद में वो प्राइस जो था वो इंक्रीज हो गए 2999 रुपीज़ हो गया। यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये जो प्रोडक्ट है F30, इसका नॉर्मल प्राइस 2999 ही है, वो बस स्पेशल ऑफर प्राइस था। तो जब भी इसके बाद फिर से सेल या ऑफर आएगा, तब फिर से आप लोगों को इस F30 999 रुपीज़ पे मिल जाएगा। बट अभी के टाइम पे अगर किसी को बाई करना है तो आप लोगों को 3000 रुपया ही पे करना पड़ेगा। तो प्राइस को लेकर अगर कुछ कंफ्यूजन था तो वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो चलो दोस्तों, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इस दोनों के डिज़ाइन को लेके। तो यहाँ पे दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ मीवी डुओपोड्स A25 का, तो ये दोनों का बॉक्स ही छोटा है, बट यहाँ पे जो A25 ये थोड़ा ओवल शेप पे आता है, और इसके साथ यहाँ पे जो पीछे साइड है यहाँ पे आप लोगों को चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है, और ये जो बॉक्स है ये थोड़ा ग्लॉसी फिनिश के साथ आता है। बट यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ F30 का, तो ये टोटली मैट फिनिश के साथ आता है। ये एक बॉक्सी स्टाइल पे है, या इसका जो फॉर्म फैक्टर है वो बॉक्स टाइप का है, और यहाँ पे भी आप लोगों को पीछे के साइड पे जो है चार्जिंग केबल देखने को मिल जाता है। यहाँ पे दोस्तों, अगर मैं इस बॉक्स को ओपन करता हूँ जहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ F30 का, तो जब भी आप बॉक्स को ओपन करते हो तब आप लोगों को यहाँ पे तो चार जो है इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा, जो बेसिकली बैटरी परसेंटेज को इंडिकेट करता है इस बॉक्स के अंदर, इस केस के अंदर कितना बैटरी बचा हुआ है। बट अगर मैं बात करूँ A25 को लेके, तो A25 के अंदर आप लोगों को कोई भी इस तरीके का इंडिकेशन देखने को नहीं मिलता है। बहुत सारे लोगों के लिए प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों के लिए नॉन प्रॉब्लम है। एज सच में अगर बात करूँ तो कोई भी दिक्कत नहीं होता है, आप आराम से यूज़ कर सकते हो, बिकॉज दोनों का ही बैटरी बैकअप जो है वो काफ़ी सही देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों, अगर मैं बात करूँ फर्स्ट चार्जिंग वगैरह का, तो ये जो मीवी डुओपोड्स F30 है इसके अंदर आप लोगों को फर्स्ट चार्जिंग का सुविधा ही दिया जाता है, जहाँ पे अगर आप 10 मिनट चार्ज करते हो तो ऑलमोस्ट एक घंटे के आसपास आपको बैटरी बैकअप मिल जाता है। बट उसी साइड में बात करूँ अगर A25 का, तो A25 के अंदर आप लोगों को कोई भी फर्स्ट चार्जिंग देखने को नहीं मिलता है। नॉर्मल चार्जिंग है, यहाँ पे चार्ज होने में एटलीस्ट 1.5 घंटा लग जाता है इसको फुल चार्ज होने के लिए। अब दोस्तों, मैं अगर बात करूँ ड्राइवर्स वगैरह का, साउंड क्वालिटी वगैरह का, तो ड्राइवर जो है मीवी A30 के अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाता है 13mm का ड्राइवर, बेस बूस्टेड साउंड आप लोगों को देखने को मिल जाता है, ट्रबल थोड़ा कम है। बट A25 का अगर मैं बात करूँ, तो उसके अंदर आप लोगों को 10mm का डायनामिक ड्राइवर मिल जाता है, जहाँ पे भी साउंड क्वालिटी ठीक ठाक मिलता है। बट बेस का मैं अगर कंपैरिजन करूँ, तो मेरे को F30 का बेस जो है वो थोड़ा ज़्यादा लगा कंपेयर टू A25। अब यहाँ पे दोस्तों, बात आता है बैटरी लाइफ का, क्योंकि आप दिन भर इसको यूज़ करोगे, गाना वगैरह इंजॉय करोगे, आपके मीटिंग वगैरह सारे काम इस TWS को यूज़ करके आप कर सकते हो, तो यहाँ पे बैटरी बैकअप कितना दे सकता है। तो दोस्तों, मैं इतना दिन से A25 को यूज़ कर रहा हूँ, और नॉर्मली मैं अगर यूज़ करता हूँ तो ऑलमोस्ट मेरे को केस के थ्रू कहीं ना कहीं 25-26 घंटे का मिल जाता है। कंपनी क्लेम करता है 30 आवर्स का बैटरी बैकअप, 30 आवर्स तो नहीं मिलता है, 25-26 घंटे का आपका बैटरी बैकअप मिल जाएगा। और ऑलमोस्ट ये जो TWS है वो 4.5 घंटे के टाइम तक चलता है। ऑब्वियसली इट्स डिपेंड ऑन योर यूसेज कि आप कितने वॉल्यूम पे गाना वगैरह सुन लो, तो भी 4 से 4.5 घंटे का, 5 घंटे का बैटरी बैकअप आपको A25 से मिल जाता है। तो ऑलमोस्ट आप 4 से 5 बार चार्ज कर सकते हो इस डिवाइस को इस केस के थ्रू। बट यहाँ पे साइड बाई साइड में अगर बात करता हूँ F30 का, तो F30 के अंदर आप लोगों को 42 आवर्स का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है विथ केस, एंड जो हर एक TWS है उस TWS के थ्रू आप लोगों को 6 से 7 घंटे का बैटरी बैकअप मिलता है। अब मैं इसको इन डेप्थ रिव्यू बहुत जल्द लेके आऊँगा, तो मैं इसको कंटिन्यूसली अभी तक यूज़ नहीं किया है, तो इसका बैटरी बैकअप जो होगा मैं इन डेप्थ रिव्यू के अंदर बता दूंगा। बट मेरे को जितना दूर तक लग रहा है 6 घंटा क्लेम किया है, तो ऑलमोस्ट 5 घंटा तो मिल जाएगा। बट ऑब्वियसली एक चीज़ याद रखना, इट डिपेंड्स ऑन योर यूसेज कि आप कितना वॉल्यूम पे सुन रहे हो, किस टाइप का जो कंटेंट है वो कंज्यूम कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ इसके ऊपर डिपेंड करता है।
अब दोस्तों यहाँ पे मैं अगर बात करता हूँ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह का, तो दोनों के अंदर ही आप लोगों को ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिसके चलते अब 10 मीटर के दूरी पे कनेक्शन लेस होके आराम से इसको यूज़ कर सकते हो। अब गाना वगैरह पे कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा। और मैं अगर कनेक्शन का बात करूँ तो काफ़ी सही कनेक्शन मेरे को एटलीस्ट F30 के साथ तो देखने को मिला नया नया, और A25 तो मैं बहुत दिन से यूज़ करूँ, इस पर कनेक्शन का कोई भी प्रॉब्लम मेरे को आज तक देखने को नहीं मिला है। वारंटी वगैरह का बात करते हो तो मीवी का हर एक प्रोडक्ट के अंदर ही 1 साल का वारंटी रहता है, बट हाँ वारंटी करने के लिए आप लोग प्लीज़ जब भी आप इस प्रोडक्ट को ओपन कर लो उसके 1 हफ्ते के अंदर उसका वारंटी रजिस्टर कर लेना। बट मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि जिस दिन ओपन करो उसी दिन वारंटी रजिस्टर कर लो, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। नेक्स्ट आता है बात की दोस्तों, देखो ये जो डिवाइस है, ये डिवाइस तो हम लोग हर एक सिचुएशन पे यूज़ कर सकते हैं, लाइक जिम करने के टाइम या जब भी हम लोग बाहर जा रहे हैं, तो बारिश वगैरह अगर आ गया तो पानी या स्वेट या डस्ट से कुछ प्रॉब्लम होगा कि नहीं। दोस्तों मैं अगर बात करता हूँ इसी दोनों डिवाइस का, दोनों के अंदर ही आप लोगों को IPX4 रेटिंग देखने को मिलता है, जिसके चलते ये वाटर रेजिस्टेंट, डस्ट रेजिस्टेंट एंड उसके साथ साथ स्वेट रेजिस्टेंट भी बन जाता है। तो आप आराम से अगर जिम कर रहे हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आप आराम से जिम कर सकते हो, और उसके साथ साथ छोटा मोटा वाटर स्प्लैशेस से भी इस पर कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। बट हाँ ऑब्वियसली याद रखना, इस दोनों डिवाइस में से किसी एक डिवाइस को पहन के भी पानी के अंदर मत चले जाना, तब जाके ये खराब हो सकता है। अब बात आता है दोस्तों इसका फाइनल जो मेन चीज़ होता है वो है इसका साउंड क्वालिटी। देखो दोस्तों जितने भी, मैं तो नॉर्मली इस मीवी 825 को इतना दिन से यूज़ कर रहा हूँ, और अभी अभी नया नया F30 जो है मेरे पास आया है, तो दोनों का ही मैंने 825 का अगर मैं सबसे पहले बात करता हूँ साउंड क्वालिटी वगैरह का, साउंड को लेके मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। बेस जितना होना चाहिए था मेरे हिसाब से वो ठीक ठाक है, ट्रेबल वगैरह सही है, इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन वॉइस जो है वो भी आप लोगों को काफ़ी सही देखने को मिल जाता है। हेवी बेस वाले साउंड पे कभी कभी थोड़ा बहुत डिस्टॉर्शन देखने को मिल जाता है अगर आप 100% वॉल्यूम पे सुन रहे हो तो। बट मैं अगर साइड बाय साइड बात करता हूँ F30 का, तो F30 जो है इसको भी मैंने सुना है, बहुत ही कम टाइम के लिए सुना है, 100% वॉल्यूम पे सुना है, बट मेरे को उतना ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला। बट हाँ इस जगह पे एक प्रॉब्लम है F30 के अंदर कि इसका ट्रेबल कम है, बेस ठीक ठाक है, उतना ज़्यादा डिस्टॉर्शन देखने को नहीं मिलता है, ट्रेबल कम है, बट वो उतना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं देगा। इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन वॉइस का मैं बात करता हूँ तो सारे चीज़ आप लोगों को सही सही देखने को मिल जाता है। यहाँ पे बात आता है अब फाइनली टच कंट्रोल्स वगैरह का, तो मैं अगर दोनों डिवाइस के ही टच कंट्रोल्स का बात करता हूँ तो A25 का जो टच कंट्रोल है, बिकॉज इस पे आप लोगों को साइड में ये ऐसा स्टेम देखने को मिलता है, तो यहाँ पे इसका टच कंट्रोल्स रहता है, तो कभी कभी जो टच है वो मिस होता है, या प्रॉपरली एक पॉइंट पे अगर आप टच नहीं करते हो तो वो गाना प्ले पॉज वगैरह या चेंज करना, गूगल असिस्टेंट का अवेक करना, जो भी टच के थ्रू आप कर सकते हो वो सारे काम प्रॉपरली नहीं होता है। बट हाँ साइड बाय साइड में अगर बात करता हूँ F30 का भी, यहाँ पे भी आपको सेम प्रॉब्लम ही देखने को मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे भी स्टेम है, और स्टेम पे अगर प्रॉपर लोकेशन पे ठीक ठाक से टच नहीं हो रहा, मतलब एकदम जस्ट सॉफ्ट टच पे भी कभी कभी नहीं होता है, तो ये सारे प्रॉब्लम जो है ये इस टच कंट्रोल्स पे देखने को नहीं मिल जाता है। बट हाँ वो कभी कभी आप मैनेज कर सकते हो, उससे कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। अब फाइनल बात आता है कि सेम प्राइस पे मैं अगर बात करता हूँ, ये जो मीवी 825 है ये अभी 999 पे मिल रहा है, और ऑफर प्राइस पे अगर आपको सेल वगैरह के टाइम पे F30 999 पे मिल रहा है, तो कौन सा वाला आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, कौन सा वाला आपको खरीदना चाहिए? देखो दोस्तों अगर आप हेवी बेस पसंद करते हो तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा F30 पे जाने के लिए। अगर आपको एक सूदिंग बेस पसंद है विथ ऑल द थिंग्स लाइक वोकल, इंस्ट्रूमेंटल, ट्रेवल वगैरह एकदम बैलेंस तरीके से चाहिए, तो आप A25 पे जा सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बट हाँ नया नया है F30, तो ऑब्वियसली आप F30 को ट्राई करके देख सकते हो, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है इस पे। मेरे को तो काफ़ी सही लगा दोनों के दोनों प्रोडक्ट ही, एंड थैंक यू मीवी अगेन कि आप लोगों ने इस दोनों प्रोडक्ट मेरे को सेंड किया, तो थैंक्स टू मीवी। तो बस दोस्तों आज के वीडियो के अंदर इतना ही बात करना था, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहना, ठीक से रहना।